हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हरी मिर्च और लहसुन की चटनी की रेसिपी। और इस चटनी की खास बात यह है कि आप इसको 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, आप इसको फ्रिज में रखकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये रोटी, पूरी, पराठे, दाल, चावल सभी के साथ टेस्टी लगती है और आपके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो कैसे आप बना सकते हैं ये हरी मिर्च लहसुन की चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी के साथ हेल्दी टेस्टी चटपटी, तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए लेनी है आपको लगभग 150 ग्राम के करीब हरी मिर्च। इसको धोकर पोंछ कर रख लिया है और इसकी डंडी मैंने हटा दी है, तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब इसके अलावा आपको लेनी है आधा कप के करीब कच्ची मूंगफली। मूंगफली के दाने लेने हैं और इसको हम भूनकर यूज़ करेंगे। इसके साथ ही आपको 2 से 3 टेबल स्पून के करीब चाहिए होगा सफ़ेद तिल, तो इसको भी हम भूनकर यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक पैन लेना है और इसमें डालनी है यहाँ पर मूंगफली। तो मूंगफली को ड्राई रोस्ट हम करेंगे। आप चाहें तो 1 चम्मच तेल डालकर भी मूंगफली को भून सकते हैं। तो तेल ऐड करने से क्या होता है, मूंगफली जल्दी भुन जाती है। यहाँ पर मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इस तरह से भून लिया है। मूंगफली हमारी क्रंची हो गई है, भुन चुकी है, और देखिए इसका ये इस तरह से छिलका भी निकलने लगा है। इसका मतलब मूंगफली भुनकर तैयार है। तो मूंगफली को अलग बोल में निकाल लेते हैं और इसके छिलकों को अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए पैन में ही गरम है पैन हमारा, और फ्लेम को बिल्कुल मैंने धीमा कर दिया है। अब इसमें हमने सफ़ेद तिल डाल दिए। सफ़ेद तिल बहुत जल्दी चटकते हैं, बहुत जल्दी भूनते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें भूल कर भी इसको तेज आँच पर बिल्कुल ना भूनें। तो इसको लगातार चलाते रहिए, 2 मिनट में ही आप देखेंगे इसमें इस तरह से कलर आने लगेगा। जलने ना पाए वरना आपकी चटनी का टेस्ट बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब तिल हमारे भुन चुके हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर लहसुन। तो मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 100 ग्राम के करीब लहसुन और इसको भी मैंने छील कर डाल दिया। साथ ही जो भुनी हुई मूंगफली थी उसका छिलका हटा दिया और वो भी इसमें ऐड कर दिया। तीनों चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से गर्म पैन में ही डालकर धीमी आँच पर सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा थोड़ा सा गार्लिक के अंदर, तो वो भी उड़ जाएगा। देखिए अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे कंटेंट्स को, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। अब पैन को खाली करके इसमें हमने 1 से 2 चम्मच तेल डाल दिया है और अब इसमें हरी मिर्च हम ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हरी मिर्च को भून लेंगे। 1 मिनट में ही आप देखेंगे हरी मिर्च में कलर भी आने लगेगा और इसमें मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि कुछ निशान से आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी हरी मिर्च अच्छे से भुन चुकी है। तो बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा इसको हमें इस तरह से भूनना होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी चटनी में एक स्मोकी सा फ्लेवर भी आ जाता है, टेस्टी भी हो जाती है और ज़्यादा चटनी, और हरी मिर्च का जो बहुत ज़्यादा अगर तीखापन होता है ना, तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है और स्वाद कई गुना बढ़ जाता है इस तरह से थोड़ा सा भूनने से। तो देखिए हरी मिर्च को हमने भून लिया है, तो इसको भी हमने बाकी की चीज़ों के साथ प्लेट में निकाल लिया। ठंडा कर लेंगे सारी चीज़ों को और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम पल्स करते हुए पीसेंगे। इस बात का ध्यान रखें, तो मिक्सी को हमें क्या करना है, ढक्कन लगाने के बाद में जैसे आपने एक बार बटन दबाया, ऑन ऑफ करते हुए आपको इसको पीसना है और थोड़ा सा उसको मिक्स करते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल फाइन ये पिसे, क्योंकि ये वाली जो चटनी होती है ना थोड़ी दरदरी सी अच्छी लगती है, मोटी मोटी अच्छी लगती है। ये एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी है जिसको कि थेचा बोलते हैं, तो आप इसको थेचा चटनी भी बोल सकते हैं, थेचा भी बोल सकते हैं, हरी मिर्च का थेचा बोला जाता है। यहाँ पर देखिए सेम पैन, एक ही पैन में हम पूरी चटनी बना रहे हैं, तो हमें बर्तन भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये जो काम हम कर रहे हैं लास्ट में, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कीजिए चाहें तो ना कीजिए। वो इसलिए क्योंकि अगर कम क्वांटिटी में आप चटनी बना रहे हैं तो बिना तेल में भुने भी आप चटनी को बना सकते हैं, पर इस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा सौंधा सौंधा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए चटनी है तो थोड़ा सा नमक तो इसमें ज़्यादा जाएगा ही, तो करीब 1.5 चम्मच तक नमक चला जाएगा। मैंने इसमें 1 चम्मच डाला था, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा नमक कम रहा, तो बाद में मैंने ऐड कर दिया था। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, 1 से 1.5 मिनट इसको इस तरह से भून लीजिए, और बस ये हमारी मिक्स करने के बाद में, थोड़ा सा भूनने के बाद में चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो फाइनली हमारी हरी मिर्च का थेचा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमने बनाया है और इसमें हमने तेल ऐड किया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और इसका जो न्यूट्रिशन लेवल है ये भी कई गुना बढ़ गया है। तो बालों के लिए बहुत अच्छी है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया ये थेचा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको अपने रोज़ के खाने में शामिल कीजिए, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी।
और 15 दिन तक आप इसको फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं किसी भी बॉक्स में, और मज़े लीजिए आप इसको रोटी चावल, दाल चावल, रोटी पराठा पूड़ी के साथ। और बताइएगा मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।